अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्स ट्रेड्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे, होंगे आप लोग अस्सलाम वालेकुम सलाम खान। और आप लोग के लिए डोले कर रहे हैं की नई वीडियो आई है और इन्हें इंडिया से ट्रेड करनी है, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, रोस्ट इन्फ्लेशन, तो वो आज करेंगे वीडियो को, इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे कि ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वीडियो के बाद पता चलेगा। बाकी वीडियो को वॉच करते हैं, करने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करें। अगर हमें सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता तब तक तिजारत नहीं की जाएगी। ए वल्लू बता 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 इसे बता, क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? अब बोल, अब बोल। यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें। भाई लोग इन बॉयजों का सही है, बंदे पहले खुद इंडिया से ट्रेड करने की भीख मांगते फिरते हैं और जब इंडिया इनको मुंह नहीं लगाता तब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने आपको पता है दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। अरे का है गला फाड़ फाड़ कर रो रही हो भाई, का हुआ? वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे उनसे हम तिजारत करें। रोती रहो रोती रहो। और भाई ये हाल सिर्फ फिजा खलीफा का नहीं था बल्कि पाकिस्तान के लगभग सभी न्यूज एंकर का ही यही था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इंडिया से ट्रेड करने की इच्छा क्या जाहिर की, सारे के सारे पोर्की उसके खिलाफ हो गए, बंदे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। सरदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? जब तक ये 5 अगस्त का मामला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। जैसे भारत तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हो, अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं? आज तक तुमने अपने बलबूते बनाया क्या है जो इंडिया से ट्रेड करोगे? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया? मतलब पोर्कियों ने बनाया अभी तो क्या सलीम गुटका? और पुलिस ने कराची के इलाके जैक्सन में गुटका फैक्ट्री पर छापा मारा। भाई एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही बना सकता, बाकी कुछ इसके बस का नहीं, लेकिन फिर भी पोर्की है कि अभी तक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया क्या है जो इलॉन मस्क पाकिस्तान का रुख करे? बहुत कुछ बनाया। क्या टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया? मतलब बंदी को खुद कुछ बताने को नहीं मिला तो अगले बंदे को ही फंसवा दिया। और ये हाल पाकिस्तान के एक बंदे का नहीं है बल्कि सभी का ये हाल है। अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से तो ही बहुत चीजें बनाई होंगी, कुछ ज्यादा नहीं। कौन सी चीजें? ये तो मुझे नहीं पता। भाई पोर्कियो का क्या है? कहने को तो पोर्कियो ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बात जब ये सब दिखाने की आती है तो सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पोर्कियो की इस हालत के बावजूद भी बंदों को इंडिया से ट्रेड करनी है, बंदे इंडिया से ट्रेड के फायदे के नाते फिर रहे हैं। लोगों का फायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीजें कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीजें। भाई इंडिया को चीजें कम कॉस्ट में देंगे जो साले खुद अपनी आवाम को नहीं दे पा रहे? अबे साले, और सबसे पहले पोर्कियो तुम एक बात बताओ, तुम ऐसी कौन सी चीजें बना रहे हो जो तुम इंडिया को भेजोगे? इंडिया में प्याज नहीं है, वो पाकिस्तान से प्याज खरीद है। पाकिस्तान से प्याज खरीद रहा है जबकि प्याज की वजह से हम लोग रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है। अल्लाह का बात है, महंगी ये नीचे से उठा कर लेकर आ रही है प्याज, आपने नीचे से उठाया? हाँ जी। मतलब महंगाई की वजह से पोर्कियो को खुद प्याज खाने को नहीं मिल रही, सारी भूसी प्याज खाकर खुद गुजारा कर रहे हैं और ये इंडिया को प्याज देंगे जबकि पाकिस्तानी प्याज की हकीकत। ऐसे हमने भी कोई सब्जी कभी इंडिया में भेजी है? इंडिया में प्याज 2-4 दफा गया, वो नाकाम हो जाता है, इधर से गंदा बहुत जाता है। ये चोर बाजारी कर देते हैं, अच्छा ऊपर अच्छा नीचे हल्का माल लगा। ये तो पोर्कियो की हराम जादगी है और ये सब हरकतें करने के बाद पोर्कियो उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करे। अरे भीख मंगिया। वैसे भी पोर्कियो तुम्हें इंडिया से ट्रेड करने की जरूरत क्या पड़ने लगी? तुम तो खुद कहते फिरते हो मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है। और उधर पोर्कियो के मुल्क में खुशहाली? चीनी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, रोते हम लोग, भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना है। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए। हम करते हैं प्रबंध।
है यह पाकिस्तान की खुशहाली। बंदों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, महंगाई से आवाम चीखे मार रही है। फिर भी बंदों की माने तो हमारे यहाँ तो कवरिंग है, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। तीसरी फिल पीटी पास। ये क्या है, वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी चल रही है। फिर भी इन बंदों का जोश कम नहीं होता। बंदे मुर्गी की कंगाली में मरने को तैयार है, लेकिन बात जब इंडिया से कुछ लेने की हो तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तिजारत करे तो फिर हमें प्याज सस्ता मिल सकता है। क्या समझते हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हम भूखे मर जाएंगे, नहीं करनी चाहिए। ये है पाकिस्तान के जज्बे वाली को, बंदे भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से ट्रेड करने को नहीं। और क्यों? क्योंकि पोर्टो का मानना है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। रुक तेरे को बताते, तेरी मार्क तेरी रुका। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमुई मईशत से ज्यादा हो गया। अब बोल। इंडिया से हम ताकत में आ गए। ये इंडिया से ताकत में आ गए हैं तो साले चारों बार के युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं। और तुम्हारी बहन का जिहादी मारूं, ताकत तो तब दिखाओगे जब खाने को एक वक्त की रोटी मिलेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बकचोदी पहननी है, जबकि पोर्टो के मुल्क की हालत पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती। सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुजेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। और अपने मुल्क की हालत के बावजूद भी पोर्टो का कहना होता है पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट है, हम दुनिया के बिजनेसमैन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि सालों तुम शुद्ध भिखारी ही नहीं, शुद्ध आतंकी भी हो। और तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है उन बेचारे कश्मीरियों को जिनको तुमने कब्जा रखा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है दोनों देशों का कश्मीर, जहाँ एक तो इंडियन कश्मीरी डेवलपमेंट के साथ साथ फॉर्मूला 4 रेस का आनंद ले रहे हैं, वही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसकी रेस लगाई जा रही है। और भाई ये देखो, बंदे कश्मीर में गधे की रेस कराकर जश्न तो ऐसे मना रहे हैं जैसे कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। यहाँ तक कि गधों की रेस के जश्न में पाक आर्मी तक शामिल है। और अपने मुल्क की इस औकात के बाद भी पोर्टो का कहना होता है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। बिल्कुल सही फरमाया। तभी तो इंडिया पीछे से पिछवाड़े में डंडा डाल कर रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ट्विब्रो ने फिर से जाए न्यू वीडियो अपलोड का ही है, अपलोड किया जो कि गजब जो है। अच्छा ट्रेड की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान तो चाहता है कि ट्रेड हो, पाकिस्तान को चाहे भी कि वो ट्रेड करे इंडिया के साथ। हमेशा यही बोलते हैं कि वो करनी चाहे, इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अगर की जाए, जब से ट्रेड इनका खत्म हुआ है तब से पाकिस्तान में सब्जियों का रेट एकदम से ऊपर गया है। तो पर प्याज की प्याज टमाटो सब कुछ, हाँ सब कुछ। एक दो चीज अब कुछ दिन मेरे ख्याल में दो या एक दिन पहले मेरे ख्याल में जो उनका जयशंकर है उन्होंने कहा था कि मतलब इसको टाल दो ये बात। अच्छा एक मिनिस्टर तो पाकिस्तान का, उन्होंने ये कहा था कि मतलब हम वापस ट्रेड खोलेंगे इंडिया के साथ। कोई था पता नहीं कौन था, वहाँ से फिर ये जवाब आया कि मतलब फिलहाल इस बात को उठा दो, मतलब रहने दो। इलेक्शन आ रहे हैं भाई साहब, कल तक सब कुछ सही चल रहा था जब इमरान खान ने सब कुछ बंद कर दिया। तो अब 2019 में जब बंद किया तब से सब्जियों का रेट एकदम से हाई हो गए। क्योंकि अगर देखी जाए इस तरह सीन था, जब सीजन हुआ करता था पाकिस्तान, जब जिस चीज का सीजन ज्यादा था तो चीजें ज्यादातर उधर जाती थी, वहाँ पे सीजन नहीं होता था। अब वहाँ अगर सीजन होता है तो फिर इस तरफ आती थी, बट वो अब जो है अगर रुक गया है तो जब सीजन किसी चीज का नहीं होता उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बाकी लोग तो लोग है भाई, एक दो लोग तो कोई उल्टा सीधा बोले, कोई अच्छा बोलेगा, कोई ठीक बात करेगा, कोई अपने आप से बोलेगा, तो ये तो चलता रहता है। बट ये हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान को हमारे पॉइंट से व्यू से है कि इंडिया के साथ जो है दिल खोल के ट्रेड करनी चाहिए, जिसकी इनकी जरूरत है भाई, इनकी जरूरत है। अगर आपको आवाम की फिक्र है तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो ट्रेड करे इंडिया के साथ। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज सोशल नंबर लेटर साथ में जो मिला है कि सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।